सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का नियरेस्ट पीजी में आज टूर करेंगे। देखेंगे कि पीजी का कितना प्राइस है और पीजी में क्या क्या मिलता है और स्टूडेंट लोग कैसे रहता है पीजी में। सो पीजी टूर करेंगे आज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का, लाइक मेरा कॉलेज का सामने नियरेस्ट जितना पीजी है आज देखेंगे, जो मेरा जूनियर है और स्टूडेंट लोग कैसे रहता है पीजी में। लेट्स गो। तो ये है कॉलेज और इधर हम लोग जाएंगे पीजी देखेंगे इस रास्ता में। सो इधर दुकान वगैरह है और इधर ऑटो खड़ा रहता है और इधर से कॉलेज हम लोग देख सकते हैं। और रास्ता है, इधर जाएंगे हम लोग। सो इधर से पीजी स्टार्ट हो रहे हैं। ये है लेन नंबर वन में हम लोग जाएंगे और उधर भी पीजी है, एक मंदिर है उधर, ठीक है। बहुत सारा पीजी रहता है इधर और इधर खाना का दुकान, ठीक है। और लेन नंबर वन में जाएंगे हम लोग, इधर से पीजी स्टार्ट होता है। सो ये पीजी में मेरा दोस्त अनिकेत पालित रहता था, अभी वो लोग घर चला गया। और इस जो पीजी है इसमें सुबोधीप रहता था। इस पीजी में जाएंगे, मेरा एक जूनियर है, देखेंगे उसका घर कैसा है। इस पीजी में हम लोग जाएंगे। सो इधर से पीजी का व्यू, ये मेरा एक जूनियर का रूम, शुभम खुला हुआ है, ठीक है। शुभम क्या कर रहे हो? पढ़ाई वगैरह चल रहा है। सो ये है पीजी, इधर एक खाली बेड भी है। इधर एक मेरा फ्रेंड था शुभोदीप बोलकर, पर ये था शुभम का, अभी शुभम इधर शिफ्ट हो गया। और वगैरह है, पढ़ाई वगैरह चल रहा है। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और पीजी लाइफ कैसा है? अच्छा ही है। के खाना वगैरह इधर ही देता है कि होटल में जाकर? तो कितना पड़ता है लगभग खाना और रूम मिलाकर? 3,000 3,500। ओके, 3,500 खाना वगैरह लेकर। अच्छा है, और रूम भी अच्छा है। इधर लगेज वगैरह रखा हुआ है, फैन है एक्स्ट्रा और एक फैन है। और इधर हम देखा कि वाईफाई भी लगा हुआ है। सो वाईफाई का चार्ज कैसे लगता है? वाईफाई का 6 months से 2,800। ओके, 6 months मतलब सब मिलाकर देता है, जितना स्टूडेंट इधर रहता है सब एक साथ मिलाकर, ठीक है। पढ़ाई वगैरह करो, ठीक है, आते हैं। आज पहला टूर था शुभम का पीजी में, अभी जाएंगे नेक्स्ट पीजी। अच्छा है। और इधर और एक रूम है और इधर और एक रूम है। तो इधर भी बहुत सारा पीजी है। ये जो पीजी है, ये मेरा फ्रेंड सुदर्शन रहता था। और इधर पीजी है, इधर भी है। और सो अभी हम जा रहे हैं विशाल का पीजी में। नंबर वन था, उधर से सीधा है, ये है विशाल का पीजी। और इधर भी पीजी है और इधर भी पीजी है। अभी जाएंगे विशाल का पीजी में, साइकिल रखा हुआ है। सो अभी विशाल का पीजी में हम लोग जा रहे हैं। ये है विशाल का पीजी और इधर थ्री बेड है। सो विशाल कैसे लग रहा है पीजी में रहकर? पीजी में रह के तो बस बढ़िया लगता है, और क्या। सो इधर तीनों बेड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक दोस्त रहता है संकेत, यहाँ पे कोसी रहता है, वाईटी का ही, एसीएससी का है, और हम इसी का है। ओके, कितना लगता है रूम का भाड़ा? रूम का किराया है आपका 1500 प्लस इलेक्ट्रिक बिल जितना आएगा, और तीन जन में मतलब डिवाइड हो जाएगा 3 महीने में। ओके, और खाना वगैरह किधर से मिलता है? खाना वगैरह एक भैया है मतलब जो ला देता है, तो मतलब ऐसे अगर मिल का हिसाब से पकड़िएगा तो आपका 40 रुपए एक टाइम का। कोई भी अगर सब्जी वगैरह है या फिर जो रोटी, अगर 5 रोटी प्लस जो भी सब्जी रहेगा 40 रुपए करके पड़ता है, उस हिसाब से आप जितना दिन खाइएगा। ओके, मगर वो अलग से रूम का भाड़ा अलग से और वो अलग से। और एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट तो ठीक है। ठीक है। तो अभी हम विशाल और पढ़ाई वगैरह किधर करते हो? बेड में वगैरह टेबल में करते हैं। टेबल में करते हैं, ठीक 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 है। तो आते हैं विशाल। ठीक है, रूम है। और पानी वगैरह किधर मिलता है? पानी वगैरह तो एक्वागार्ड लगा हुआ है। एक्वागार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अभी। अभी हम लोगों के साथ आसिपुर है। आसिपुर भी पीजी में रहता है।
सो आसिपुर का एक्सपीरियंस कैसा है आसिपुर? अच्छा, मतलब किस टाइप का? मतलब लाइक पीजी में रहकर कैसे लगता है? पीजी में डिपेंड अपन कि वो खुद क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे फुली इंडिपेंडेंट है। अगर आपको घूमना फिरना है तो घूमो फिरो, को उसमें भी रोकेगा नहीं। और पढ़ना लिखना है तो दिन में पढ़ो लिखो, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मेन बात है कि इंडिपेंडेंस ही है, जो करना खुद से कर सकते हो, जो खाना है करो, जो करना है करो। रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है इनके हॉस्टल से। और आसिपुर को 2023 में थर्ड ईयर में गेट मिला, कांग्रेचुलेशन आसिपुर। थैंक यू। सो पीजी में रहकर गेट निकाले, तो कुछ टिप्स वगैरह जूनियर के लिए? बस कंसिस्टेंसी, जिसके पास कंसिस्टेंसी है टैलेंट्स को बीट कर सकते हो। टैलेंट कितने आदमी होता है, सब और एवरेज ही होता है। 100 में 2-4 ही टैलेंटेड होता है, बाकी जितना भीड़ है सब एवरेज का ही है। उसमें से जो कंसिस्टेंट है वो भीड़ से कूद के ऊपर आएगा, नहीं तो उसी भीड़ में घूमते रहना और क्या। थैंक यू आसिपुर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। हम लोग पीजी टूर कर लिए रोनो के साथ, तो रोनो हॉस्टल में रहता है, ठीक है। एक दिन हम लोग हॉस्टल का टूर भी करेंगे। सो हॉस्टल में कैसा लगता है अभी बोल लो? हॉस्टल में कैसा, बस जैसा आप लोग जानते हैं वैसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें हॉस्टल नहीं दिखाएंगे, और एक दिन हॉस्टल दिखाएंगे। और बहुत सारा सीरीज आएगा, प्लेसमेंट टॉक वगैरह भी आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग।